और अपने बहू के प्रति सोचती थी ये मेरी बेटी से भी बढ़कर है, ये मेरी बहू बनेगी, ये मेरे बेटे की संतान को धारण करेगी, मेरा नाम आगे बढ़ाएगी। क्या प्रेम था, क्या गौरव बोध था सास और बहू में। और वो बहू भी सोचती थी मेरा वास्तविक घर तो ये है, माता पिता का घर मेरा घर नहीं है। और ये अनुपम सौंदर्य था रिश्तों में, वो कम होता जा रहा है। लेकिन ऐसा एक समय आएगा, लोग इसको समझेंगे और पुनः इन रिश्तों की स्थापना होगी। नारद जी महाराज जी सोचने लगे ये बात अब क्या करना चाहिए, समाज में सत्य की स्थापना करना है, ईमानदारी की स्थापना करना है। आज के संदर्भ में भी अपने देश में देख सकते हैं भ्रष्टाचार, चारों ओर भ्रष्टाचार, ये क्या है, यही नारद जी महाराज जी सोच रहे थे। और वो सोचते सोचते वृंदावन चले गए। वृंदावन एवं पश्यत कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहम यामूनम तटमापन्नम यत्र लीला हरिरभू तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। नारद जी महाराज विचरण करते करते नारायण पहुंच गए वृंदावन, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों प्रकार की लीलाएं की हैं। वहां जाकर के उन्होंने देखा एक अद्भुत दृश्य, एक नवयुवती विलाप कर रही है और उसके पास दो बूढ़े लोग मूर्छित अवस्था में पड़े हैं और वो नवयुवती उनको जगा रही, नारायण पंखा झेल रही है। नारद जी महाराज को उन्होंने देखा और नारद जी महाराज से उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु आप साधु हैं, महात्मा हैं, मैं नवयुवती, मेरा नाम भक्ति है, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ और ये दो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ये बहुत बड़ी प्रतीकात्मक बात कही गई है, भक्ति का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में। आपको सनातन धर्म के ऐश्वर्य को देखना हो तो दक्षिण भारत में जाना चाहिए। हमने देखा 1200 खंभे हैं, मंदिर के गर्भगृह तक हाथी प्रवेश कर सकता, हाथी भगवान के ऊपर अपने सूंड के जल से अभिषेक कर सकता है, इतना बड़ा वो मंदिर है। वहां लोग सुना रहे थे 2000 लोग मंदिर में प्रवेश कर जाए तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये लोग कहां हैं। आप हम्पी के मंदिर में देखना कर्नाटक के, आप मीनाक्षी टेम्पलम देखना, बालाजी मंदिर देखना, ओ इतने विशाल, इतनी भव्यता, ओहो हो हो। दक्षिण भारत में भक्ति का प्रचार हुआ और दुनिया में जो सनातन धर्म फैला वो दक्षिण भारत से। जावा, सुमात्रा, कंबोडिया का बहुत बड़ा विराट मंदिर विश्व के आश्चर्यों में, एक विराट संस्कृति को पैदा किया दक्षिण भारत ने, अनेकों आचार्य पैदा हुए दक्षिण भारत में। लेकिन कैसा अद्भुत संगम है नारायण, दक्षिण में पैदा हुए और उत्तर में उन्होंने प्रचार किया। शंकराचार्य भगवान पैदा हुए दक्षिण में, कालड़ी गांव कर्नाटका, और उन्होंने प्रचार किया उत्तर भारत में आके। सबसे ज्यादा उनको मानने वाले लोग उत्तर भारत में मिलेंगे, हजारों हजारों साधु महात्मा उनके अनुयायी बन गए। भक्ति का बहुत बड़ा दक्षिण में प्रचार हुआ नारायण, ज्ञान वैराग्य के साथ। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में भी बहुत बड़ा प्रचार हुआ।
गुजरात तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन गुजरात आते आते लोगों के जीवन में थोड़ी कमियां आ गई। पाखंड ही खंडितांग का यह एक बहुत सुंदर बात बोली है भक्ति ने, आप ध्यान देके सुनेंगे। हमारे जीवन में सच्ची भक्ति होना चाहिए, सच्चा वैराग्य होना चाहिए, सच्चा ज्ञान होना चाहिए। आज भी पाखंड आ जाए हमारे जीवन में, पाखंड माने दिखावटीपना, पाखंड माने प्रदर्शन। आप होना चाहते कि आप दिखना चाहते हैं? मेरा एक प्रश्न है, आप धार्मिक दिखना चाहते कि आप धार्मिक होना चाहते हैं? ये छोटे बच्चे भी बोल रहे हैं, इनको भी मालूम है, सत्य का बोध उनको भी मालूम है। आपको धार्मिक होना चाहिए कि आपको धार्मिक दिखना चाहिए? धार्मिक होना चाहिए आपको, दिखने की जरूरत नहीं है। आप जब चले जाते हो ब्यूटी पार्लर में, तो आप सुंदर होते हो कि सुंदर दिखते हो? आप जब ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो आप सुंदर होते नहीं, सुंदर केवल दिखते हैं। ओहो, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, और दो चार दिन के बाद पुनः जैसे कि वैसे, राम राम। आपको आध्यात्मिक होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, दिखने के लिए नहीं। लोग बोले ओहो ये तो बहुत आध्यात्मिक है, बहुत आध्यात्मिक है, बहुत आध्यात्मिक है। क्यों? क्योंकि जब भी आप दिखाई दिए हाथ में माला लेके, और जैसे आप कमरे में गए तो माला उतार के रख दी। आप सत्संग में बैठे तो बिल्कुल आंख बंद करके एकदम सीधे, और आप 10 घंटे 12 घंटे अपने कमरे में रहे तो थोड़ा सीधे हुए कि नहीं? ईमानदारी की बात, सत्संग में बैठे दो सीधा। आप जैसे आप कमरे में गए तो लेट लकार लगाती है। आपके मन में क्या है? आपके मन में दिखने की भावना है कि होने की भावना है? ये अध्यात्म प्रदर्शन नहीं है, अध्यात्म एक दर्शन है, एक अनुभव है, एक प्रयोग है। इसलिए आदमी के मन में ये दिखने की भावना, लोग मेरे को त्यागी बोले, लोग मेरे को ज्ञानी बोले, लोग मेरे को भक्त बोले, और उसके अनुसार हम काम करते हैं, उसी का नाम है पाखंड। भक्ति ने कहा लोगों के जीवन में प्रदर्शन आ गया, और उसी प्रदर्शन के कारण ज्ञान भक्ति वैराग्य कमजोर हो गए। बात तो सत्य है, आप दिखाने के लिए कुछ करोगे तो दिखोगे, लेकिन होंगे नहीं। और आप होने के लिए करते हो तो आप भले ही दिखोगे नहीं, लेकिन आप होंगे। आप भक्त बनने के लिए करो, दिखने के लिए नहीं, तो आप भक्त होंगे। दुनिया को भले ही आप भक्त मालूम नहीं पड़ोगे, लेकिन आप भक्त होंगे, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। इसलिए आपको ये ध्यान नहीं देना चाहिए कि लोग मेरे को देख रहे हैं कि नहीं, मैं कितना अच्छा हूं। आपको ध्यान देना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूं, मेरे को मालूम पड़ रहा है कि नहीं। आपका अच्छा होना केवल आपको मालूम होना चाहिए, दुनिया को मालूम हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भक्ति ने कहा जीवन में पाखंड आ गया, और ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों नारायण बूढ़े हो गए, और उसके बाद फिर विचरण करते करते पहुंच गए वृंदावन। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी। वृंदावन में जैसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों आ गए नारायण, ज्ञान वैराग्य तो बूढ़े रह गए, बूढ़े के बूढ़े रह गए, लेकिन भक्ति युवा युवती हो गई, युवा हो गई।
यहाँ एक बहुत सुंदर प्रश्न किया है भक्ति ने नारद जी महाराज जी के सामने, ये कैसे हुआ? वृंदावन में आने के बाद मैं तो नवयुवती बन गई, मेरा बुढ़ापा हट गया, लेकिन मेरे पुत्रों का ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा नहीं हटा, ऐसा क्यों हुआ? नारद जी महाराज ने सोच करके उत्तर दिया, इतना सुंदर उत्तर है, ये सुनकर जीवन में उतारने जैसा है। अत्रेमो ग्राहका अभावात् जरामपि न मुञ्चत किंचित् आत्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयुं उपेक्षितानुरागान्धैः जर्जरत्वेन संस्थिता वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणीनवा। नाराजी महाराज ने यहां तीन कारण बताए नारायण। उपेक्षा, आप जिसकी उपेक्षा करते हो ना, वो चीज कमजोर हो जाती है आपके जीवन में, आप ध्यान देना। आप अपने व्यवहार में, आप अपने लोक जीवन में जिसकी आप उपेक्षा कर देते हो ना, वो आपके जीवन में अंग कमजोर हो जाता है। आप जिसकी उपेक्षा कर देते, आप घर के किसी कोने की उपेक्षा कर दोगे तो वो कोना धीरे 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 वो बहुत गंदा होगा, मटमैला होगा, और वो धीरे धीरे खत्म होने को होगा। और आप पूरे जगह का आप ध्यान रखोगे तो उपेक्षा नहीं करोगे, वो सारी चीजें बराबर बनी रहेगी। आपका खेत है और उसकी आप उपेक्षा कर देगे तो धीरे धीरे जो पैदा होने वाली चीजें हैं वो विनष्ट होती जाएगी। आपका ऑफिस है, आप उसकी उपेक्षा कर दो, वो धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा। आपके पास ये शरीर है, दो कान हैं, दो आंखें हैं, दो नाक है, हाथ पैर हैं, आप जिसकी उपेक्षा कर दोगे ना, वो अंग आपका धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। आप हाथ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका हाथ कमजोर हो जाएगा। आप आंख पर यदि ध्यान नहीं दे रहे तो आपकी आंखें कमजोर हो गई, आपको ध्यान देना चाहिए इसकी सुरक्षा। उपेक्षित अंग धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अनुरागान नहीं, या तो आप उपेक्षा तो नहीं करते हो लेकिन समय नहीं दे पाते हो, आप दूसरे दुनिया के कामों में इतना लगे रहते हो और जो जरूरी चीज है उस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे, तो भी वो चीज धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और तीसरी जो चीज नारद जी महाराज ने बोली बहुत सुंदर, अत्रेमो ग्राहका भावात् जरामपि न मुञ्चत। आपके अंदर जो मांग है ना, डिमांड, वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहते क्या हो, आप जो चाहते हो वो आप होना शुरू हो जाते हो। आपके जीवन में वो चीज आनी शुरू हो जाती है जिसकी डिमांड होती है। सबसे पहले आपके मन में डिमांड पैदा हो गई, क्या हमको आना है सत्संग में? आपके मन में डिमांड पैदा हो गई, आपको आना है प्रयागराज। जैसे मिले हम मुंबई में प्रेमपुरी आश्रम में, और बात हुई हमारे शंकरलाल जी वैरागराज जी से, वृंदावन आना है। ओहो हो, वृंदावन आ गए, डिमांड पैदा हो गई। वृंदावन आने की डिमांड आपके अंदर, मांग पैदा हो गई, और उसके बाद आप कहां पहुंच गए? वृंदावन। आपके मन में मांग पैदा होते ही आपने योजना बनाई वृंदावन की और वृंदावन पहुंच गए। आपके मन में मांग पैदा हो गई प्रयागराज आना है और आपने योजना बना दी और कहां पहुंच गए? प्रयागराज। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी चीजें? डिमांड। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो है मांग। आप चाहते क्या हो, आप जो चाहते हो वो होना शुरू हो जाते हो, ये हमारे जीवन का सूत्र है। आप सत्संग करो और वो सत्संग आपकी डिमांड बन जाए। आप किसी साधु महात्मा के चरणों में पहुंचो और उनके अंदर का ज्ञान, वैराग्य, ध्यान आपके जीवन की डिमांड बन जाए, यही तो जिज्ञासा है।
ये आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आपने किसी ज्ञानी महात्मा को देखा और आपके मन में डिमांड पैदा हो गया हो, ये ज्ञान हमको चाहिए। आपने किसी वैराग्य संपन्न महापुरुष को देखा और आपके जीवन में मांग पैदा हो गई, ओहो ये हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हम देखते थे बचपन में ऐसे साधु महात्माओं को जो संतों की सेवा करते थे और वो बड़े ही निस्वार्थ भाव से संतों की सेवा करते थे, आज हमारे अटल पीठाधीश्वर जी महाराज पधारे थे, इनके गुरुदेव थे गंगादेव जी महाराज और निर्मल अखाड़े के श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, उनके सानिध्य में हम रहे और उनके वैराग्य को हम देखते थे। वैसा सिर पर कपड़ा बांधे, एक वस्त्र जीवन में धारण करे, संतों की सेवा करते थे, सौ सौ साधु लेकर के चलते थे और वो देख करके मैं कल्पना करता था कि ऐसे ही मैं महात्माओं की सेवा करूं, मैं ऐसे ही अपने जीवन में वैराग्य धारण कर लूं, मानव मात्र से मैं प्रेम करूं, सबके प्रति दया का भाव रखूं। आप ज्ञानियों को देखकर ज्ञान की प्रेरणा लेते हैं, आप योगी को देख करके योग की प्रेरणा लेते हैं, आप ध्यानी को देखकर ध्यान को पाने के लिए आप प्रेरित हो जाते हैं। ये डिमांड है, हमारे जीवन की डिमांड है, ये हमारे जीवन की मांग है। नारायण नारद जी महाराज ने कहा, वृंदावन में सब लोग भक्ति को चाहते हैं लेकिन ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं चाहता। आज जिसको नहीं चाहते वो चीज आपके जीवन में पैदा नहीं होती है, आप जो चाहते वो चीज पैदा हो जाती है, वो चीज आपके जीवन में बढ़ती है और जो चीज आप नहीं चाहते वो चीज आपके जीवन में नहीं बढ़ती है। ईमानदारी की बात है, आप क्या चाहते हो? आप अपने आप को ही पूछना, आप चाहते क्या हो? आप भक्ति चाहते हो, आप ज्ञान चाहते हो या आप वैराग्य चाहते हो? आप जो चाहते वो चीज आपके जीवन में बढ़ेगी। आज निर्णय कर लो आप चाहते क्या हो, ईमानदारी से, यहां बेईमानी नहीं चलती है। आप क्या चाहते हो ईमानदारी से थोड़ा सोचो तो, मोबाइल चाहते हैं, टीवी चाहते हैं, अखबार चाहते हैं, मैगजीन चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं, काम चाहते हैं, क्रोध चाहते हैं, वासना चाहते हैं, आप चाहते क्या? आज निर्णय तो करो। और जो चाहते हो ना वो चीज पैदा करने के लिए आप श्रम परिश्रम करते हो। आप झगड़ा करना चाहते हो, आपके मन में यदि झगड़ा करने की चाह है तो आप झगड़ा करोगे, आपको कौन रोकेगा? आपकी चाह, आपकी डिमांड है वो। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, नारद जी महाराज ने कहा वृंदावन में भक्ति की डिमांड है, ज्ञान की डिमांड नहीं। इसलिए ज्ञान बूढ़े के बूढ़े रह गए, वैराग्य नारायण वहां डिमांड नहीं, इसलिए वैराग्य भी बूढ़े के बूढ़े रह गए। अब क्या करना चाहिए? भक्ति ने प्रार्थना की, प्रभु आप तो कुछ करो, आप साधु हैं। नारद जी महाराज ने उनके कान में जाके भगवद गीता सुना दी, वेदोपनिषद सुना दिया और हिलाया डुलाया, बेटा वैराग्य उठो, बेटा ज्ञान उठो, लेकिन वो उठे नहीं। और उस समय नारद जी महाराज जी सोचने लगे, मेरे को अब करना क्या चाहिए भाई? उठाने के बाद भी उठ नहीं रहे, जग नहीं रहे, मेरे को क्या करना चाहिए? अहो निद्रा कथम याति व्रतत्वं महत्तरं चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास भार्गवो। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर, तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषण। नारायण उसी समय आकाशवाणी हुई, हृदय में एक आवाज प्रकट हो गई उनके और उसे मालूम पड़ा कि तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म। जब तक आप सत्कर्म नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में ज्ञान और वैराग्य नहीं आएगा। आवाज तो आ गई,
लेकिन नारद जी महाराज जी ये समझ नहीं पाए ये सत्कर्म क्या है, कौन सा सत्कर्म जिसके द्वारा लोक जीवन में ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण हो, लोक जीवन में ज्ञान और वैराग्य पैदा हो, ऐसा कौन सा उपाय है, समझ में नहीं आया। नारद जी महाराज ने संकल्प लिया कि चलो अब हम भगवान की भक्ति करेंगे, हिमालय जाएंगे, बद्रीनाथ में तपस्या करेंगे, भगवान को प्रसन्न करके भगवान से ही जान लेंगे वो कौन सा सत्कर्म है जिसके द्वारा मानव मात्र के जीवन में ज्ञान भक्ति और वैराग्य का प्रादुर्भाव हो। पहुंच गए नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम और बद्रिकाश्रम में जाके उन्होंने संकल्प लिया नारायण मैं यहां बैठ के तपस्या करूंगा। आश्चर्य की बात है, आप जब अच्छे कामों का संकल्प लेते हो ना तो भगवान की कृपा होनी शुरू हो जाती है। ये बात आप नोट करके रखना, आप केवल संकल्प लेना अच्छे काम का और आपके ऊपर भगवान की कृपा होनी शुरू हो जाती है। आप ये सोचना ही मत कि हम प्रयागराज जा रहे हैं और इतनी बड़ी भीड़ है वहां हमको रहने की व्यवस्था मिलेगी कि नहीं, हमको वहां खाने को मिलेगा कि नहीं, हमको वहां रहने की व्यवस्था होगी कि नहीं, कंबल मिलेगी कि नहीं, नीचे बिछाने के लिए गद्दा मिलेगा कि नहीं, आप सोचो मत, निकल पड़ो, भगवान पहले ही आपकी व्यवस्था कर चुके हैं। आपने जैसे संकल्प किया नारायण के प्रयागराज हमको जाना है और उधर भगवान ने आपकी व्यवस्था शुरू कर दी, आप आ रहे हैं, क्योंकि आपके आने की सूचना आपको पहले लगती है कि भगवान को पहले लगती है। अच्छा एक प्रश्न है मेरा, आप प्रयागराज आने वाले हैं ये सूचना आपको पहले मिलती कि भगवान को, इसका उत्तर देंगे तो मैं उसको 11 रुपए दक्षिणा दे दूंगा। ज्यादा तो नहीं दूंगा लेकिन 11 रुपए तो जरूर दूंगा, क्यों, आत्मा परमात्मा होता है, सही बोला उन्होंने। देखो आपकी बात आपको पता नहीं है, आप क्या करने वाले हैं, आप भविष्य में क्या करने वाले हैं आपको पता नहीं है, लेकिन आपका जो ईश्वर है उसको पता है कि आप अगले क्षणों में क्या करने वाले हैं। अभी आप यहां से जाओगे और कुटिया में जाके चाय पियोगे कि पानी पियोगे आपको मालूम नहीं है, लेकिन भगवान को मालूम है, यहां से जाने के बाद चाय पियोगे कि नहीं पियोगे, मिलेगी नहीं मिलेगी, दूध वाली मिलेगी खाली मिलेगी, आपको नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम, उसको मालूम है, वो सर्वज्ञ है। आपके जीवन में संकल्प पैदा होने वाली बात भी हमको मालूम नहीं, परमेश्वर को पहले मालूम है। आप संकल्प करो और उसी के साथ आपकी व्यवस्था होनी शुरू हो जाएगी। हमारे अशोक जी आए, एक पूरी फैमिली लेके आए, छोटे छोटे बच्चे भी थे उनके साथ, दिल्ली से आए थे और वो बहुत चिंतित थे, बहुत चिंतित थे, पहली बार जा रहे हैं, कोई साधु महात्मा परिचित नहीं, कुंभ मेला क्या करे, कहाँ रहे, क्या व्यवस्था होगी नहीं होगी। और जैसे ही वो रेलवे स्टेशन आए उन्होंने अशोक जी को पूछा, इन्होंने उनको पूछा कहाँ जा रहे हैं, बोले प्रयागराज, बोले हमारी व्यवस्था होगी क्या, बोले हमारे गुरु जी क्या होंगे, चलो ले आए वहाँ और आपके रूम में रुक के चले गए। और वो इतने खुश थे, ओहो बोले भगवान की कृपा हो गई। आपके मन में नारायण संकल्प होते ही परमेश्वर की कृपा होनी शुरू हो जाती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आप माला लेने का संकल्प करो, हम 11 माला जप करेंगे और उधर भगवान आपको मदद करना शुरू कर देंगे। आप यहां प्रयागराज से जाओ तो एक संकल्प लेके जाना, हम गुरु मंत्र की अथवा ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, इस मंत्र की एक माला रोज करेंगे, ओम ह्रीम नमः शिवाय इस मंत्र की माला रोज एक माला जप करेंगे। आप संकल्प लेके जाओ, भगवान पूरा करेंगे, ओम ह्रीम नमः शिवाय।
नारद जी महाराज ने संकल्प किया, शुरू नहीं किया, केवल संकल्प लिया, अत्रैव यहीं पर बैठकर मैं साधना करूंगा, भगवान के दर्शन करूंगा, और भगवान की कृपा शुरू हो गई। नारायण देखा, नारद जी महाराज ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान का पहला अवतार सामने आके खड़े हो गए। नारद जी महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए नारायण, लेकिन नारद जी महाराज जी के मन में वो दुख था ना, समाज का परिवर्तन कैसे हो, समाज में सत्य नहीं है, दया नहीं है, तप नहीं है, त्याग नहीं है, सच्चे अर्थों में यह समाज ज्ञान में भक्ति में वैराग्य में कैसे बने, उसकी चिंता थी नारद जी के मन में। और उनका चेहरा भी नारायण म्लान था, लटका हुआ, सनकादि ने देखा और देख करके पूछ ही लिया, आप तो साधु हो और उसके बाद भी आपका चेहरा ये लटका क्यों, कारण क्या है? नारद जी महाराज ने अपनी समस्या बता दी। नारायण, मैं समाज का उद्धार चाहता हूं, समाज धर्म धर्मनिष्ठ बने, सत्यवादी बने, ईमानदार बने, भगवान के भक्ति से ओतप्रोत हो। सनत कुमारों ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, उपाय है, जो आपने आकाशवाणी के द्वारा सुना सत्कर्म, वो सत्कर्म और कोई नहीं है, ये सत्कर्म भागवत की कथा है। बोली भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, सत्कर्म सूचको नूनम, ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधि, श्रीमद्भागवतालापम सतु गीतः शुकादिभिः। सनकादियों ने कहा, भागवत की कथा वेदोपनिषद आदि के सार से बनी हुई कथा, आप भागवत की कथा सुनते हो ना, वो वेदोपनिषद का सार तत्व निचोड़ के। सुखदेव जी महाराज ने सुना, व्यास जी भगवान ने अपने समाधि की अवस्था में भागवत का अनुभव किया, वेदोपनिषद का सार तत्व उसमें डाल करके भागवत की कथा बनाई। और ये कथा यदि आप श्रवण करोगे तो आपके जीवन में ज्ञान आएगा, भक्ति वैराग्य आएगा। नारद जी महाराज को प्रेरणा मिली, भागवत की कथा करनी है। और भागवत की कथा करना कोई सरल चीज है क्या? भाई भागवत की कथा करना बहुत कठिन है। भागवत की कथा धन साध्य है, धन न हो तो आप कथा नहीं कर सकते। आपको भागवती कथा करना है तो बहुत बड़ा पंडाल लगाना पड़ता है, जो आने वाले लोग हैं उनको रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है, भोजन देना पड़ता है, गाने बजाने वाले को दक्षिणा देनी पड़ती है, बहुत सारे खर्चे हैं। और सनकादियों ने नारद जी महाराज जी को बता दिया कि तुम भागवती कथा करोगे तो ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रचार होगा। और नारद जी महाराज जी के पास कुछ है क्या, पूछो? नारद जी महाराज के पास कुछ भी नहीं है। विरक्तानाम शिरोमणि, दुनिया में जितने भी विरक्त लोग हैं ना, विरक्त उनमें वो शिरोमणि है सबसे बड़े, कुछ भी नहीं है, केवल एक वीणा है हाथ में, और उस वीणा को बजा करके भजन करते रहते, नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण।
बिहारी जी महाराज भगवान का भजन करते नारायण श्रीमन नारायण 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 आर वो निरंतर नारायण नारायण नाम को लेते हुए वो स्वर गाते हैं तार बिना के तार पर तार के स्वर पर आर वो नारायण का भजन गाते हैं और कुछ नहीं। संपत्ति के नाम पर नारद जी महाराज जी के हाथ में केवल वीणा है और वो भागवती कथा करने का संकल्प ले रहे हैं। नारद जी महाराज ने पूछा धीरे से, प्रभु मैं भागवती कथा तो करना चाहता हूं लेकिन कहां करूं उसकी व्यवस्था। दुनिया में जो भागवत सप्ताह कथा जिन्होंने की, जितने लोग यजमान हुए उन यजमानों में सबसे पहला यजमान नारद जी महाराज है। तनकादियों ने कहा कि भागवती कथा आप हरिद्वार करो हरिद्वार। एक बहुत सुंदर गंगा का घाट है, उस घाट पर भागवती कथा होगी। बालू के ऊपर सारे साधु महात्मा श्रोताजन बैठेंगे, बिछाने के लिए जरूरत नहीं है। यहाँ हमारे मेले में तो सारी व्यवस्था को पैदा करना पड़ा, कंबल नए मंगाने पड़े, रजाइया नई मंगानी पड़ी। अभी आप जहां पर बैठे हुए सब नई चीजें, एक एक चीज आपके लिए जुटानी पड़ी यहाँ पर। ये तो बहुत ज्यादा घटाटोप हो गया, बहुत ज्यादा विस्तार हो गया। लेकिन सनकादियों ने कहा आप हरिद्वार में जब कथा करोगे तो वहां कोई बिछाने की जरूरत नहीं है। नव कोमल बालुकम, गंगा मैया के द्वारा प्रवाहित करके आई हुई कोमल कोमल बालू है और उस बालू पर बैठेंगे। ठंडी होगी तो ठंडी का समय होगा तो ठंडी लगेगी और गर्मी का समय होगा तो गरम गरम। और वो बड़ी तपस्या होगी नारायण, बड़ी तपस्या होगी। खाने पीने के लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बहुत बड़े पेड़ पौधे गुलमलताएं कंदमूल फल जंगल में वो निकाल के खा लेंगे। और यहाँ आसन की भी जरूरत नहीं, बड़े बड़े पत्थर हैं, किसी पत्थर के ऊपर हम लोग बैठेंगे उसी पत्थर को आसन बना देंगे और वहां भागवत की कथा होगी। और यहाँ जीव जंतु बहुत अहिंसक हैं, गंगा का पवित्र किनारा, कोई डर नहीं भय नहीं। और यही हरिद्वार में भागवती कथा होगी। आप जब भागवती कथा करते हो तो निमंत्रण देते हैं, क्यों देते हैं निमंत्रण? आप अच्छा काम करते हो तो उसका प्रचार होना चाहिए, अच्छी बात बहुत लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आपकी कथा सार्थक हो गई यदि बहुत ज्यादा लोगों तक आपकी कथा पहुंच गई। अभी हमारे पास चैनल वाले आए, जय पारस, और उन्होंने मेरे को आग्रह किया कि महाराज आप इस कथा को चैनल पर दिखाइए। आप पहले मेरे मन में आया कि क्या चैनल पर दिखाना है, लेकिन बच्चों ने हमको वो समझाया कि आप हजार दो हजार लोगों के बीच में कथा करते हो और वो कथा यदि लाखों लोगों तक पहुंचे तो कितना आनंद आएगा। और ये लाखों लोगों तक कथा पहुंचेगी तो लाखों लोग इस कथा से प्रभावित होंगे, उनको सत्य का बोध होगा, उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। और ये जय पारस चैनल इसमें आपको मदद करेगा। मेरे मन में बात आ गई, मैंने कहा चलो आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, ये फाइल आगे बढ़ाओ। आपकी अच्छी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और उसके बाद हमारे बैरागढ़ जी तो है ही, हमारे बैरागढ़ जी बहुत उदार पुरुष हैं, सचमुच हमारे दोस्त हैं, चेला कम दोस्त ज्यादा है। हमारे शंकर लाल जी, मैं देखता हूँ जो भी उनके मन में बात आती है वो फटाफट फटाफट होना चाहिए, फटाफट निपटाओ फाइल। आप भागवत की कथा कर रहे हैं तो उसका प्रचार जितना लाखों लोगों तक पहुंचे, करोड़ों लोगों तक,
यही तो भाव। इसलिए नारद जी महाराज ने संकल्प लिया, अब मैं प्रचार करूंगा। नारद जी महाराज ने सोचा, नारायण मैं घर घर जाके बताऊंगा लोगों को, चलो भागवत की कथा है हरिद्वार में, सनकादि भागवत की कथा करेंगे व्यासपीठ पर बैठकर। गांव गांव घर घर शहर गलियां पहुंच गए नारद जी महाराज, सबको संदेश दिया महाराज। तीर्थों में गए, और जो मित्र मंडली नारद जी महाराज जी की भी तो कोई दोस्त रहे होंगे ना, वहां भी जाके संदेश दिया महाराज, चलो भागवत की कथा कहां पर हो रही है, गंगा के किनारे, कहां, हरिद्वार हरिद्वार। और जो नारद जी महाराज जी से नाराज थे ना, उनको भी उन्होंने जाके मना लिया। जो मान सम्मान चाहते थे कि भाई बिना बोले हम नहीं आएंगे, जाकर के नारद जी महाराज ने निमंत्रण दिया, बोले आपको निमंत्रण नहीं भागवत की कथा का, चलो चलो चलो। पहुंच गए, हजारों हजारों लोग पहुंच गए नारायण। आप जितना प्रचार करोगे उतने हिसाब से लोग आ जाते हैं। बहुत बड़ी कथा थी नारायण, व्यासपीठ पर विराजित हो गए सनकादि, सबसे आगे नारद जी महाराज जी बैठ गए, यजमान को आगे बैठना चाहिए, आसन लगा के बैठ गए। एक तरफ स्त्रियां थी, दूसरे तरफ पुरुष थे, और उनके आगे नारायण, सन्यासी वैरागी वैष्णव साधु महात्मा, और उनके आगे नारद जी महाराज, बहुत सिस्टम से बैठे थे। ये क्रम जो हमारे भागवत का बैठने का है, ये पढ़कर ऐसा मालूम पड़ता है कि कितने व्यवस्थित लोग थे। आपके बैठने में अनुशासन होना चाहिए, आपके बैठने से धर्म झलकना चाहिए, आपके देखने से आपका चरित्र मालूम पड़ना चाहिए, आपकी जो उपस्थिति है वो अध्यात्म से इतनी ओतप्रोत हो कि आपको देख करके आदमी आपसे बहुत कुछ सीख ले। वहां बैठने की ऐसी अद्भुत व्यवस्था थी, एक तरफ स्त्रियां बैठी हैं, दूसरे तरफ पुरुष बैठे हैं, उनके आगे साधु महात्मा दोनों तरफ बैठे हैं, और उसके आगे आसन लगा के नारद जी महाराज अकेले बैठे हैं क्योंकि वो यजमान है। कथा शुरू हो गई, बोली सच्चिदानंद भगवान की, भागवत भगवान की। सनकादियों ने नारद जी महाराज जी को कथा सुनाना प्रारंभ कर दी। नारायण ग्रंथो अष्टादश सहस्रो द्वादश स्कंद संहित परीक्षित शुक संवाद शृणु भागवतम चत। सनकादियों ने भगवान को प्रणाम किया, नमन किया, और उन्होंने कहा भैया सुनो सुनो भागवत की कथा सुनो। इस भागवत में 18,000 श्लोक है नारायण, 12 स्कंद है। सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित का संवाद है। आप सातों दिनों तक समय निकालकर भागवत की कथा को सुनो, और 7 दिनों तक सुनने की आपके पास शक्ति नहीं है, समय नहीं है, एक दिन सुनो, थोड़े समय सुनो, थोड़े समय एक श्लोक, आधा श्लोक, बोले आधे का भी आधा, उसको सुनकर के जीवन में धारण करो, आपका उद्धार हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बात बड़ी गंभीर बोली, भाई आधे श्लोक का भी आधा सुनने के बाद आपका उद्धार होगा तो इतना लंबा चौड़ा सुनने का क्या मतलब है फिर? आप तो बड़े खुश हो गए होंगे, 2 मिनट हो गए सुन लिया कथा, उठ के चले गए और आपका उद्धार हो गया, ऐसा नहीं है। आपको जीवन में धारण करना पड़ेगा सत्य को जानकर। आपने सुना भगवान का भजन करना चाहिए, अच्छा इसको बोलने के लिए कितना समय लगा, सुनने को कितना समय लगा, अब आपको क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। आपके जीवन में सत्य होना चाहिए, भागवत का अर्थ तो यही है, आपके जीवन में ईमानदारी होना चाहिए,
आपके जीवन में वैराग्य होना चाहिए, आपके जीवन में ज्ञान आना चाहिए, आपके जीवन में भक्ति आना चाहिए। अरे यही तो भागवत एक 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 मिनट में बोल गया मैं, कितना सारा हो गई भागवत आपकी, और वो आपके जीवन में उतर जाए। मैं आपको अपने अनुभव से सुना दूं, बिना किए कुछ आपको मिलता नहीं है। हमारे जीवन में जो भी चीजें हैं वो श्रम साधने हैं, और इसलिए भगवान ने आपको बार बार बोला, बार बार बोला करो करो करो। आप भगवत गीता को पढ़ोगे तो भगवत गीता में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया हुआ शब्द कोई है, वो है गुरु, करो, बिना किए कुछ नहीं होता है। आप सुनो और अपने जीवन में उसको उतार लो। मनश्चाजयात् रोगात् पुंसां चैवायुषः क्षयात् कलेर्दोष बहुत्वात् च सप्ताह श्रवणं मतम्। सनकादियों ने एक बहुत सुंदर बात बोली नारायण। सनकादियों ने कहा कि आपको प्रमाद नहीं करना चाहिए, आपको 7 दिन का संकल्प लेके भागवती कथा सुननी चाहिए। 7 दिन तक आप संकल्प लो कि हम पूरी भागवती कथा सुनेंगे, आप इसको छोड़ेंगे नहीं। हमारे जबलपुर की माता जी आ गई, आपके बगल में बैठी हूँ, आपके बगल वाली है। हमारे बैरागड़ा जी माता ढूंढ रहे हैं, जबलपुर की माता जी आ गई तो कहाँ होगी, वो उधर देख रही है आपके बगल में, मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। जैसे उनको मालूम पड़ा यहाँ भागवत की कथा, वो बेचैन हो गए, बेचैन, और वो बार बार फोन कर रही थी मेरे को कि मैं पहले एक बार आके गई हूँ, दोबारा आऊं कि नहीं, आप मेरे को भगाओगे तो नहीं। वो एक ही पूछ रही थी मेरे को, आप मेरे को भगाओगे तो नहीं, आप मेरे को भगाओगे तो नहीं। मैंने कहा मैया आपको काहे को भगाऊंगा, आप ही हमको भगा दो, आप आओ और हमको भगा करके हमारे कमरे पर कब्जा कर लो, हाँ, और आप खुद ही आसन पर बैठ करके कथा कर लो। आपके मन में ये संकल्प उठे कि मैं 7 दिनों तक भागवत की कथा सुनूंगा, ओ, और आपको सुनना चाहिए फिर, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा, आज स्वस्थ हैं कल स्वस्थ ना हो, आज बहुत सामर्थ्यशाली है कल ये कमजोर हो जाए, आज है कल ना हो। इसीलिए सनकादि कहते हैं समय निकाल कर आदमी को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए, अपने को अपना समय व्यर्थ नहीं गमाना चाहिए। आदमी तो बाथरूम में बहुत ज्यादा समय गमाता है, हा? आपका सबसे ज्यादा समय कहां बीतता है? अच्छा आज निर्णय हो जाए, हम महात्माओं की बात छोड़ो, हम लोग तो अंदर घुसे बाहर निकल आते फटाक से, उतने में स्नान हो जाता, आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि अंदर जाके क्या करके आए। हमारे दादा गुरु परम पूज्य अखंडानंद सरस्वती महाराज अंदर गए और वो चेला जब तक अपना टॉवेल लाता तब तक तो महाराज जी का स्नान भी हो जाता था, बाहर सुखाया हुआ टॉवेल ले आए तब तक तो नहा के बोलते थे भैया टॉवेल जल्दी कर, 2 मिनट में कभी की फटफट स्नान डाल दिया, शरीर पोंछ दिया, हो गया। आप 2-4-10 दिन यदि साबुन नहीं लगाओगे तो मैल ऐसा चढ़ जाता है क्या, हा? और उसके बाद आपको खुरपी लगा के निकालना पड़ता है। आप 2-4-10 दिन साबुन नहीं लगाओगे तो ऐसा नहीं कि आपके शरीर पर ऐसा मैल चढ़ जाता होगा और फिर आपको मशीन लगा के उसको उतारना पड़ता होगा, ऐसा है क्या? नहीं, कुछ नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, आपको एक आदत है कि रोज साबुन लगाना चाहिए, और जिस दिन नहीं लगाओगे उस दिन आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है। बात केवल इतनी सी है। वो आदत की बात है, आप रोज लगाओगे और किसी दिन नहीं लगाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, और आप नहीं लगाओगे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं लगेगा। आप बहुत निकट आए बैरागड़ा जी, आप गले भी मिले मेरे, तो मेरे शरीर से कभी आपको दुर्गंध आई क्या? छी छी, अरे ए महाराज क्या। और आपको आश्चर्य की बात बता दूं, महीनों हो गए मैं साबुन नहीं लगाया हूं,
एक सावन में साल भर चलती है मेरे लिए, एक सावन साल भर चलती है। बात तो ईमानदारी की है। और उस सावन का सबसे ज्यादा उपयोग होता है बाथरूम में जाने के बाद हाथ धोने के लिए। और वो बहुत ऐसा लगे कि चलो टाइम है आज ज्यादा, तो थोड़ा सावन लगा लेना चाहिए, कोई फर्क नहीं है। और आप रोज सावन घिसते हो, साबन घिस घिस के आप दुबले हो गए हो। आप कितना समय गुजारोगे बाथरूम में? आप कितना श्रृंगार अपने ऊपर, कितना समय आप कितना दोगे? आप फटाफट करो, जो भी करना है फटाफट निपटाओ उसको। और निपटा करके जो आपके पास अतिरिक्त समय है, आप भगवान का नाम स्मरण करो। ये आपकी साधना है, ये बहुत जरूरी है नारायण। आपको अतिरिक्त जो भी समय मिलता हो उसका उपयोग करना चाहिए, समय का उपयोग करना चाहिए, साधना करना चाहिए। सनकादि बड़े प्रसन्न हुए नारायण, और ये बात जैसे उन्होंने सुनाई, चमत्कार हुआ है। वहां पर जितने भी लोग कथा का श्रवण कर रहे थे, उनके अंदर से, अरे हमारे शाहरा जी आए, थोड़ा बैठने की व्यवस्था कर देना, माता जी की व्यवस्था कर देना, थोड़ा आप ऊपर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हन्त्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरं वैष्णव मानसानी। एक वहां पर चमत्कार हो गया नारायण, एक चमत्कार हो गया। आहा, वो गंगा का पवन तट हरिद्वार जैसा धाम, सनकादियों के द्वारा भागवत की कथा का श्रवण, वहां जितने भी श्रोता थे उनका हृदय झंकृत हो उठा, अध्यात्म से परिपूर्ण हो उठा। सबके हृदय में नारायण आध्यात्मिक सात्विक भाव भर गए और चमत्कार हुआ। सबके भीतर से ही एक दिव्य देवी प्रकट हो गई और उसके हाथों में दो पुरुष थे, नव युवा, ज्ञान और वैराग्य। बोली भक्ति माता की। और वो जैसे आगे बढ़ी नारायण, लोगों के मन में प्रश्न उठा, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? सनकादियों ने कहा, ये तो भक्ति है, आपने बहुत एकाग्र होकर कथा श्रवण की और उसके प्रभाव से ये भक्ति माता प्रकट हो गई। और उसके ये दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। आपको ध्यान से कथा सुननी चाहिए। आप जब ध्यान से कथा का श्रवण करते हैं तो आपके अंदर भी भक्ति पैदा हो जाती है, वैराग्य पैदा हो जाता है, ज्ञान पैदा हो जाता है। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए नारायण और वो भगवान का भजन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे नाथे तिनामानि मोहर वदंती। और वो तन्मय हो गए, सारे लोग मिलकर भगवान का भजन करने लगे। ये भक्ति का प्रभाव। बहुत प्रसन्न हुए नारायण सनकादि, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। ओहो हो, बोले भागवती कथा सुनी और थोड़े ही समय में, पहले ही दिन प्रारंभ में ही सबके हृदय से एक देवी प्रकट हो गई, ऐसा अनुभव किया उन्होंने। ज्ञान और वैराग्य का भी जीवन में अनुभव किया, और आप भी करते होंगे, आपके अंदर भी वैराग्य है, आपके अंदर भी भगवान की भक्ति है, आपके अंदर भी वैराग्य है। वैराग्य न होता
तो आप इतना भागे भागे, एक तारीख को मुंबई में, दो तारीख को इंदौर और तीन तारीख को प्रयागराज। आपके अंदर वैराग्य यदि न होता नारायण तो ये संभव ही नहीं था यहां आना ही नहीं। इतना कष्ट उठाकर आपके अंदर भगवान की भक्ति नहीं होती तो आप इतना कष्ट उठाकर यहां नहीं आ पाते हैं। हमारे बेंगलोर से आए अनिराज बहुत सात्विक पुरुष हैं, उनकी धर्म पत्नी भी है, वानप्रस्थ जीवन में बहुत बड़े इंजीनियर थे और वैराग्य हो गया, चिन्मय मिशन ज्वाइन किया, सब का त्याग कर दिया उन्होंने और वो वैसी वैराग्य जीवन धारण कर यहां पहुंच गए। आप यहां छोटे बड़े जितने भी लोग हैं वैराग्य के बिना नहीं पहुंचे हैं नारायण। अत्रते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। हमारे साधु महात्मा, हमारे स्वामी रंगानंद सरस्वती जी महाराज, बड़े बड़े साधु पुरुष आलमी से पधारे, हमारे स्वामी सुबोधानंद जी महाराज बहुत बड़े आश्रम के महंत थे, लेकिन इनके अंदर कोई अहंकार नहीं है। इतने बड़े महंत लेकिन जहां भी आसन लगा दिया, ओ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अभी तक महाराज ने हमको कोई मांग नहीं की अभी तक, और इतना वैराग्य इतना कि मेरे को बोलते हैं जाओ आश्रम संभालो आप। बोले मैं तो विचरण करूंगा, वो आश्रम आप संभालो। ये वैराग्य है, ये बहुत बड़ा वैराग्य है नारायण। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, वैराग्य के बिना आप एक सुई भी किसी को नहीं दे सकते हो। इतने बड़े बड़े साधु महात्मा ये बैठे हुए, अपने यहां 100 साधु हैं, पीछे भी साधु महात्मा बैठे हुए, कल से आगे बैठेंगे सारे साधु, सबसे आगे महात्मा को बैठाने की व्यवस्था करा देंगे आगे। ये वैराग्य है नारायण। सनकादियों ने कहा कि अब हमको आपको हम एक कहानी सुना देते हैं, कहानी है, एक बड़ी सुंदर कहानी सुना दी उन्होंने। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतमुत्तमम यत्र वर्णास्वधर्मेन सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्वभेद विशारद श्रौतस्मार्तेश निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक नगर था और उस नगर में नारायण दो पति पत्नी रहते थे। आत्मदेव नाम का पंडित था, उनकी पत्नी थी धुंधुली। आत्मदेव तो बहुत धर्मनिष्ठ थे, यज्ञ याग करते, और उनकी जो पत्नी घरेलू थी लेकिन बड़ी स्वभाव से कर्कश थी, स्ववाक्य स्थापिका, वो अपने पति की बात मानती नहीं थी, मनवाती थी। वो जो भी बोले पति को करना पड़ता था, लेकिन पति कोई चीज बोले तो वो नहीं, बड़ी दुष्ट स्वभाव की थी। और पति पत्नी में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है, एक ने सुनी दूसरे ने मानी, कहो कबीर दोनों ब्रह्मज्ञानी। कबीर जी को किसी ने पूछा कि ब्रह्मज्ञानी का मतलब क्या है, बहुत सरल शब्दों में उन्होंने एक व्यवहारिक बात बता दी, एक ने कही और दूसरे ने मानी, कहो कबीर दोनों ब्रह्मज्ञानी। मेरे को नहीं लगता कबीर ने बोला होगा, लेकिन बात कबीर के नाम पर बहुत अच्छी बोली गई। आपको किसी ने बात कही और आपने उसको स्वीकार कर लिया तो एक बहुत बड़ी बात हो गई, सामने वाले ने बोला और आपने नहीं माना, तनाव है, संघर्ष है। आपको मानने की आदत होना चाहिए, आपको सुनने की आदत होना चाहिए, सुनने में संघर्ष नहीं है। आप कम से कम हाँ तो बोल सकते हो, भले ही न करो। आपको किसी ने बोला भैया ये आप एक रोटी खाओगे,
आप बोल देना हाँ, भले नहीं खाओ लेकिन हाँ बोलने में क्या है भाई। आप ना बोलकर संघर्ष पैदा कर देते हो, अपनी बात को दूसरे के ऊपर स्थापित कर आप संघर्ष पैदा कर देते हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। भिक्षु को वित्तमान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, शूरा च गृहकृतेषु कृपणा कलह प्रिया। नारायण उनकी कोई संतान नहीं थी और वो संतान नहीं होने के दुख से दोनों बहुत पीड़ित थे, परेशान थे। भगवान की आराधना की, धर्म कर्म किया, दान किया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। धुंधुली को ज्यादा दुख नहीं था लेकिन आत्मदेव को बहुत ज्यादा दुख था। इतना दुखी हुए, उन्होंने सोचा इसकी अपेक्षा मर जाना अच्छा है, कोई संतान नहीं है। मरने के लिए पहुंच गए आत्मदेव जंगल में एक सरोवर के किनारे। आत्महत्या करना चाहते थे वो, लेकिन आश्चर्य की बात आत्महत्या नहीं कर रहे थे। वो आत्महत्या करने के लिए गए थे लेकिन आत्महत्या नहीं कर रहे थे, कारण क्या था? ये आत्महत्या एक नकारात्मक भावना है। आत्महत्या मने मरने की भावना है और मरने का कोई फायदा नहीं है। आपके जीने का फायदा है, मरने का कोई फायदा नहीं है। आप एक भी फायदा गिना दीजिए आप मेरे को, मरने का क्या फायदा है? गिना जीने के हजार फायदे मैं आपको बता दूंगा। मर गया बात खत्म हो गई, क्या फायदा उसका? आपके मरने का फायदा आपको नहीं मिलता, आपके मरने का फायदा दूसरे को मिलता है। आप मर गए, दूसरे को फायदा हुआ, आपके कमरे में दूसरा आके बैठ गया। आप मर गए, आपके शरीर के ऊपर जो भी अलंकार है वो दूसरे उतार लेगा, वो पहन लेगा, दूसरे को फायदा है। आपके मरने का फायदा आपको क्या है? कुछ नहीं है। इसलिए आत्महत्या के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, आत्महत्या के बारे में सोचना ही पाप। आप कितना भी दुखी रहो, आप कितना भी कष्टमय जीवन जी रहे हो, लेकिन जीना श्रेष्ठ है। एक क्षण का जीवन सुखद मृत्यु से लाखों गुना श्रेष्ठ है। इसलिए आदमी के मन में यह कभी भाव पैदा नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं मर जाऊं, नहीं सोचना चाहिए। और आप आध्यात्मिक यदि हैं तो आपके मन में कभी आत्महत्या की भावनाएं पैदा नहीं होगी। आपका भगवान पर भरोसा है, आप जप करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आप सत्संग करते हैं, आपके अंदर की नकारात्मकता खत्म होगी। आपके मन में कभी भावना ही नहीं पैदा होगी कि मैं आत्महत्या करूं। और कदाचित कभी आपके मन में आत्महत्या करने की भावना भी पैदा होगी तो आपकी भगवान मदद करेंगे और आत्महत्या करने के पहले ही भगवान आपको जगा देंगे और आप आत्महत्या कभी नहीं कर पाओगे। आत्मदेव ने साधना की थी, वो संध्या करते थे, वंदन करते थे, वो शास्त्रों के ज्ञाता थे और उनके मन में आया मैं मर जाऊं और मरने के लिए गए लेकिन मर नहीं रहे हैं। भगवान की कृपा है और वो बैठ करके रो रहे थे नारायण, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मरने वाला आदमी ऐसा बोलता नहीं, मर जाता है।